आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे मंच और सभी हमारे प्रतिनिधि साथियों, आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से जो माननीय अंबिका चौधरी साहब ने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसको लेकर के हम लोग प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, जिससे कि लोकतंत्र और संविधान बच सके। आदरणीय हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने अपने गुलदस्ते में एक एक फूल सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया और हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक नौजवानों की एक सेना तैयार की। समाजवादी पार्टी से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि अगर इन सभी लोगों को प्रत्येक लोकसभा वार देश में, प्रदेश में हम लोग आप जिम्मेदारी दे देंगे तो हम लोग इनको जोड़ने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी बहेलिया के रूप में हमारे लोगों को बहका करके फोड़ने का काम करती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का हमारा है पूरा जो मंच में बैठे लोग हैं करेंगे। इसी मंच में 2022 के चुनाव के पहले देश के गृहमंत्री आए थे और हमारे समाज के ठग मत्स्य मंत्री ने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया था और कहा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, चलिए आपको आरक्षण मिलने वाला है। जो 17 पिछड़ी जात के लोग थे, कश्यप कहार मल्लाह केवट भर राज भर प्रजापति, इन लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। लोगों ने यही कुर्सियां तोड़ी थी। हम पूछना चाहते हैं डिबेट में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लगाकर, विधानसभा से लगाकर लोकसभा और राज्यसभा तक 17 पिछड़ी जातियों के पक्ष में कानून बनाने का काम किया और हमेशा साथ देने का काम किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे मंच और सभी हमारे प्रतिनिधि साथियों, आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से जो माननीय अंबिका चौधरी साहब ने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसको लेकर के हम लोग प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, जिससे कि लोकतंत्र और संविधान बच सके। आदरणीय हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने अपने गुलदस्ते में एक एक फूल सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया और हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक नौजवानों की एक सेना तैयार की। समाजवादी पार्टी से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि अगर इन सभी लोगों को प्रत्येक लोकसभा वार देश में, प्रदेश में हम लोग आप जिम्मेदारी दे देंगे तो हम लोग इनको जोड़ने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी बहेलिया के रूप में हमारे लोगों को बहका करके फोड़ने का काम करती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का हमारा है पूरा जो मंच में बैठे लोग हैं करेंगे। इसी मंच में 2022 के चुनाव के पहले देश के गृहमंत्री आए थे और हमारे
समाज के ठग मत्स्य मंत्री ने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया था और कहा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, चलिए आपको आरक्षण मिलने वाला है। जो सत्ता पिछड़ी जात के लोग थे, कश्यप कहार मल्लाह केवट भर राजभर प्रजापति, इन लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लोगों ने यही कुर्सियां तोड़ी थी। हम पूछना चाहते हैं डिबेट में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लगाकर विधानसभा से लगाकर लोकसभा और राज्यसभा तक सत्रह पिछड़ी जातियों के पक्ष में कानून बनाने का काम किया और हमेशा साथ देने का काम किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं।